हाय, अगर आप उन लोगों में हो जिनको प्लांट्स रखने का तो बहुत शौक है लेकिन घर पे फर्टिलाइजर नहीं बना सकते किसी भी रीजन से, मे बी आपके पास स्पेस लिमिटेड है, आप अपने घर पे बकेट में गाय के गोबर की खाद 2-3 महीने नहीं रख सकते हो, मे बी आपके पास टाइम लिमिटेड है, आप वर्किंग हो या आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आप हर 2-3 दिन में खाद नहीं चला सकते हो, एक्स वाई जेड कोई भी रीज़न है, आप सिंपली खाद नहीं बना सकते हो घर पे एंड दैट इज़ परफेक्टली ओके। लेकिन प्लांट को तो खुराक चाहिए, राइट? अगर आपने मिट्टी में कंपोस्ट ऐड किया है वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है, लेकिन हर एक प्लांट को टाइम टू टाइम लिक्विड फर्टिलाइज़र भी चाहिए क्योंकि ये एक टॉनिक की तरह काम करता है और ये प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा ही एक फर्टिलाइज़र दिखाने जा रही हूँ जो बहुत ही इजी टू यूज़ है, रेडी टू यूज़ मिलता है मार्केट में, ऑनलाइन नर्सरी कहीं भी इजली मिल जाएगा, बजट फ्रेंडली है, 200-250 रुपये में मिलेगा और 4 से 5 महीने आराम से यूज़ करिए। बॉटल में या पाउच में आता है, आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, कोई तीम झाम नहीं है इसके साथ। और सबसे बड़ी चीज़, ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इसमें कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं होता है। मैं बात कर रही हूँ सी वीट फर्टिलाइज़र की। इस वीडियो में मैं सी वीट फर्टिलाइज़र से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी कवर करने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ये फर्टिलाइज़र लिक्विड फॉर्म में मिलता है, आपको एक बॉटल मिल जाएगी या आप इसको ग्रेन्यूल के फॉर्म्स में भी ले सकते हो, इसका एक पाउच आता है। एक्चुअली होता क्या है, समुद्र में बहुत से ऐसे घास फूस या वनस्पति होती हैं जिनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो इनको निकाल कर साफ करके पूरा प्रोसेस होता है, इनको कन्वर्ट किया जाता है फर्टिलाइज़र में और वही फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं। इनमें NPK तो होता ही है, NPK के अलावा और जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट को चाहिए वो सारे होते हैं। कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र होते हैं जिनमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है, कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र होते हैं जिनमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र होते हैं जिनमें फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसमें लगभग सब कुछ है और सब कुछ लगभग अच्छी क्वांटिटी में है। ये एक कंप्लीट पावर पैक सॉल्यूशन है और आप इसे अपने सारे हाउस प्लांट्स में दे सकते हो, लाइक इंडोर प्लांट्स में दे सकते हो, आउटडोर प्लांट्स में दे सकते हो, कटिंग में, सकलेंट में, सब में, जितने भी मोस्ट कॉमन प्लांट्स हैं ना, जैसे एरिका पाम है, स्नेक प्लांट है, करी पत्ता है, गुड़हल है, शमी का प्लांट, इन सब में दे सकते हो। लेकिन अगर आप एक हाई लेवल गार्डनिंग कर रहे हो, जैसे आप करेला उगा रहे हो या नींबू का पेड़ है आपके यहाँ, या आप लीची, अमरूद ये सब उगा रहे हो, रोज़ेस, ये सब थोड़े हैवी फीडर प्लांट्स होते हैं, तो इनमें NPK की ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए, तो इनके लिए दूसरे फर्टिलाइज़र्स भी देने पड़ते हैं। लेकिन जितने भी कॉमन हाउस प्लांट्स जो हम इन जनरल अपने घर पे रखते हैं, उनमें अगर आपने कंपोस्ट मिट्टी में डाली है और हर 20 डेज में आप इस फर्टिलाइज़र का लिक्विड सॉल्यूशन दे रहे हो, तो आपको कोई और फर्टिलाइज़र देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है आपके प्लांट्स के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे प्लांट्स में देना कैसे है। इसको हम 3 तरीके से अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। पहला प्रोसीजर है जिसमें आप ये बॉटल खरीद सकते हो मार्केट से, इसमें लिक्विड सॉल्यूशन आता है सीवीट का और ये काफ़ी कंसंट्रेटेड होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है। ये मुझे 240 रुपीज़ की मिली है। अगर आपने और भी वीडियोस देखे हैं सीवीट के या आप ऑनलाइन देखते हो तो आपको ये बॉटल बहुत दिखती होगी। एक्चुअली मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ लेकिन इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं ऑनलाइन। लेकिन अगर आप नर्सरी में लेने जाओगे तो आपको कोई और बॉटल मिलेगी, दैट्स परफेक्टली ओके। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, कंसंट्रेटेड होता है, आप इसको ऐसे अपने प्लांट्स में नहीं दे सकते हो, तो आपको इसमें बहुत सारा पानी मिलाना होगा। आपकी बॉटल में एग्जैक्टली जैसे लिखा है आप वैसे ही सॉल्यूशन बनाइएगा। तो मेरी इस बॉटल में लिखा है कि सॉइल में डालने के लिए 3 ml सीवीट सॉल्यूशन होना चाहिए 1 लीटर पानी में। मेरी ये 30 लीटर की बकेट है, इसमें 30 लीटर पानी भरा हुआ है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग सीवीट सॉल्यूशन डाल रही हूँ। इसे खूब अच्छे से मिक्स करना है और फिर अपने प्लांट्स में अच्छे से देना है।
वैसे मैं अपने तुलसी जी में गाय के गोबर की खाद और विंटर शुरू होने से पहले मस्टर्ड की एक फर्टिलाइज़र ही देती हूँ, लेकिन अगर आप कुछ और नहीं दे रहे हो तो आप सी वीट सोल्यूशन दे सकते हो। आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। जितना ज़रूरत है उतना ही सोल्यूशन बनाना चाहिए, लेकिन अगर आपसे बच गया है तो आप इसको किसी ऐसी जगह पर रखना जहाँ पर ज़्यादा गर्मी ना हो। नॉर्मल टेम्परेचर पे आप इसको 8 से 10 दिन ही रखना, उससे ज़्यादा रखोगे तो इसमें स्मेल आ जाएगी। और आप इसको हर 20 डेज में अपने प्लांट्स में दे सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोसीजर। नेक्स्ट प्रोसीजर है स्प्रे करने का। जो हमने घोल बनाया था, सोल्यूशन बनाया था मिट्टी में डालने के लिए, वो हम स्प्रे नहीं करेंगे लीव्स के ऊपर। लीव्स के लिए दूसरा सोल्यूशन होता है। तो मेरी इस बॉटल में लिखा हुआ है कि 1 लीटर पानी में 1 ml डालना है, तो मेरी 3 लीटर की बॉटल है उसके अकॉर्डिंग मैं 3 ml सीवीट सोल्यूशन डाल रही हूँ। जब भी आप कोई भी स्प्रे कर रहे हो तो मेक श्योर कि लीव साफ होनी चाहिए। एक बार अच्छे से पहले उसको पानी से धो लीजिए। अगर उसमें धूल जमी हुई है तो फर्टिलाइजर डालने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप ये स्प्रे हर 10 दिन में अपने प्लांट्स के ऊपर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम लोग काफी डाइल्यूट करके सोल्यूशन बना रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर। ये है सीवीड ग्रेन्यूल का पैकेट। ये पैकेट मुझे 269 रुपीज़ का मिला है और ये 1 किलो है। तो एज़ कम्पेयर टू सीवीड सोल्यूशन बॉटल, मुझे ग्रेन्यूल का पैकेट काफ़ी सस्ता पड़ा है। आप इसको डायरेक्टली मिट्टी में डाल सकते हो। कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। आपको सबसे पहले तो अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई करनी है, मिट्टी को लूज़ करना है और उसके ऊपर ग्रेन्यूल्स डालना है। अगर आपका बड़ा पॉट है, दैट इज़ 10 इंच है या 12 इंच का है, तो आपको 2 tablespoons सीवीड ग्रेन्यूल्स डालने होंगे। अगर 8 इंच का है तो आप 1 tablespoon डाल सकते हो। अगर उससे भी छोटा है, जैसे मेरा ये एग्लोनिमा है, ये प्लांट तो काफ़ी बड़ा है लेकिन इसका पॉट काफ़ी छोटा है, तो इसमें मैं 1/2 tablespoon ग्रेन्यूल्स ही डाल रही हूँ। डालने के बाद इसको फिर से मिट्टी से या कोकोपीट से कवर करना है और बहुत अच्छे से पानी देना है। अगर आपने ग्रेन्यूल्स खरीदे हैं और आप चाहते हैं कि आप इसका सोल्यूशन बना ले, तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको स्प्रे बनाना है तो 2 लीटर पानी में 1/2 tablespoon ग्रेन्यूल्स डालने हैं, और अगर मिट्टी में डालने के लिए सोल्यूशन बनाना है तो 3 लीटर पानी में 1 tablespoon ग्रेन्यूल्स डालेंगे। ये सोल्यूशन बनाने के लिए आपको ग्रेन्यूल्स को एटलीस्ट 5 घंटे के लिए पानी में डिप करके रखना पड़ेगा। और जब आप सोल्यूशन बना रहे हो तो एयर टाइट बॉटल मत करिएगा, हो सकता है कि इससे थोड़ी बहुत गैस भी निकले। अगर आपको सीवीड सोल्यूशन कटिंग्स में डालना है, लाइक आपने मॉन्स्टेरा की या मनी प्लांट की पानी में कटिंग लगाई है या आपने हिबिस्कस की मिट्टी में कटिंग लगाई है, अगर इसमें डालना है तो आपको वही वाला सोल्यूशन डालना होगा जो हमने स्प्रे करने के लिए, लीव्स में स्प्रे करने के लिए बनाया था। ये कितना इजी टू यूज़ है। या तो सोल्यूशन को पानी में मिक्स करिए और प्लांट्स में दे दीजिए, या ग्रेन्यूल्स को मिट्टी में डालिए और ऊपर से पानी दे दीजिए। वैसे इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, मुझे आज तक कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखा, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस लेने की बहुत ज़रूरत है। प्रिकॉशन नंबर 1, सबसे पहले आपको एक प्रिकॉशन लेनी है कि आप चाहे ये सीवीड सोल्यूशन या कोई भी फर्टिलाइज़र ले रहे हो, उसको बहुत अच्छे से डाइल्यूट करके ही प्लांट्स में देना। अगर आपको 5 mug पानी डालना है तो सेफर साइड 1 mug और डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि अगर किसी प्लांट में किसी चीज़ की कमी है, मिनरल्स की डिफिशियंसी है, तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं, हम उसको ऊपर से फर्टिलाइज़र देके सही कर सकते हैं। लेकिन अगर गलती से ज़्यादा फर्टिलाइज़र चला गया प्लांट में तो प्लांट तुरंत झुलस जाता है, उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उसको रीपॉट करो, मिट्टी चेंज करो, फिर भी प्लांट बचेगा नहीं बचेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कोई भी फर्टिलाइज़र हो उसको अच्छे से पानी से मिला के ही दीजिएगा।
और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप फर्टिलाइज़र मिट्टी में दे रहे हो तो मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए। अगर मिट्टी में ऑलरेडी मॉइस्चर है तो रूट्स कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, रूट्स कुछ एब्जॉर्ब करेंगे नहीं, और आपने एक्स्ट्रा पानी डाल दिया है एक्सेस मॉइस्चर की वजह से रूट्स ख़राब होने लगती हैं, जिसको रूट रॉट कहते हैं। एक बार दो बार चल जाता है, लेकिन ये अगर बार बार हुआ तो प्लांट ख़राब हो जाता है। तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप फर्टिलाइज़र दे रहे हो तो उसको बहुत अच्छे से दो, तब तक दो जब तक नीचे से होल से पानी निकलना स्टार्ट ना हो जाए। इससे ये समझ में आता है कि जो नीचे की रूट्स हैं उनको भी न्यूट्रिएंट मिल चुका है। नाउ प्रिकॉशन नंबर 4, जब भी आप इस खाद को दोगे तो एटलीस्ट 15 डेज का गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आज इसको दिया और आप 5 दिन बाद बनाना पील फर्टिलाइज़र दे रहे हो। तो 15 डेज का गैप होना चाहिए किसी भी दो फर्टिलाइज़र्स के बीच। वैसे तो आपको ऑनलाइन या पैकेजिंग में इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने क्या बेनिफिट्स फील किए हैं सीवीड सॉल्यूशन के। पहला बेनिफिट तो ये है कि अगर मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ और कोई और मेरे प्लांट की केयर कर रहा है, तो उससे समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे मच्छर केक डालना है या कैसे गाय की गोबर की खाद डालनी है। तो वहाँ पर सीवीड सॉल्यूशन एक बेस्ट ऑप्शन है, कोई भी इसको यूज़ करके डाल सकता है। और मैं जब लौट के आती हूँ तो मेरे प्लांट्स मुझे हमेशा हेल्दी मिलते हैं, तो मतलब ये एक स्टेपनी का काम करता है। दूसरा एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे किसी एक पर्टिकुलर प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, मे बी वो फ्लावरिंग नहीं कर रहा है या फ्रूटिंग नहीं कर रहा है, सारे फर्टिलाइजर्स ये लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैसे ये मेरा बोगनवेलिया है, ये लगभग 2 महीने हो गए हैं इसने फ्लावरिंग नहीं की है, मैंने बनाना पील फर्टिलाइज़र दिया कुछ नहीं हुआ, और अब मैं इसमें सीवीड सॉल्यूशन दे रही हूँ। ये 4 दिन बाद का रिजल्ट है, 4 दिन में ही इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गए। एक्चुअली होता क्या है कि काउडंग फर्टिलाइज़र में या मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र में NPK बहुत ज़्यादा होता है, तो प्लांट्स की रूट्स बाकी जो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और मे बी इस प्लांट को एमिनो एसिड की ज़रूरत थी या मे बी इसको जिंक की ज़रूरत थी, और मैं इसको बार बार NPK दे रही थी। सीवीड सॉल्यूशन जैसे ही मैंने दिया इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। तो अगर आपके किसी भी प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, आपने उसमें सारे फर्टिलाइज़र दिए कुछ नहीं हुआ, आप बनाना पील फर्टिलाइज़र दीजिए मे बी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए, उसके बाद भी नहीं हुआ 15 डेज वेट करिए और सीवीड सॉल्यूशन दीजिए। अगर सीवीड सॉल्यूशन से भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होती है, देन आप तुरुपकाइका दैट इज़ एप्सम सॉल्ट देंगे। अगर आप बिगिनर हो या आप एक्सपीरियंस्ड हो, सारे गार्डनर्स को मैं रिकमेंड करूँगी कि सीवीड सॉल्यूशन आपके पास होना ज़रूर चाहिए, कभी भी ज़रूरत पड़ गई तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सीवीड सॉल्यूशन, मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।